जैसे कीर्ति, मानसी और प्रियंका, सुरेखा और मेरे देवर जी अखिलेश जी, दोनों बच्चे इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। मैं और मनीष भी बहुत खुश हैं, लेकिन इमोशनल हैं कि उसके पास नहीं जा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से पूरी फैमिली इंजॉय करी, बहुत मस्ती कर रहे हैं सब लोग। लेकिन कहीं ना कहीं आपने रस्म पूरी कर दी उसको चुपचाप से हल्दी लगा के कार्तिक को, तो फिर कैसा लग रहा था? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, बहुत इमोशनल मोमेंट है स्वर्णा के लिए, बिकॉज वो उससे बिल्कुल मतलब अलग है, वो उसको प्यार नहीं करता है बिल्कुल, वो मतलब मैं हूँ ही नहीं उसके लिए, मैं अगर होती भी हूँ सामने तो मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ, मैं हूँ ही ना के बराबर हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं स्वर्णा को आज तक कोई मौका नहीं मिला उसके फंक्शन को सेलिब्रेट करने का, खुशी यू नो अपनी खुशी जाहिर करने का, तो उसको एक मौका मिलता जब वो अपनी खुशी जाहिर करती उसको हल्दी लगा के। जैसे गोविंदा फैमिली में नायरा की हल्दी के लिए जब एंट्री हुई तो देखा काफ़ी कुछ मजाक मस्ती हो रहा था, सीरियस मोड रहा। एक्चुअली जहाँ पे माँ होते हैं वहाँ पे हम लोग मस्ती करते हैं, लेकिन बहुत लिमिट में करते हैं, और वहाँ पे सब लोग इतनी मस्ती करते हैं, खुल के मस्ती करते हैं, क्योंकि किसी को किसी का डर नहीं है। तो जैसे हम लोग पहुँचते हैं, वो जैसे आपने देखा नक्श यू नो नागिन बन के डांस कर रहा है, वो माँ के आगे डांस करता है, एंड सब लोग डरते हैं दादी से वहाँ पे उनकी फैमिली में, तो उनको लगता है कि यू नो अभी तो भूचाल आ जाएगा यहाँ पे, दादी अभी कुछ ना कुछ डांटेगी या कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मे भी शायद बच्चों के हंसने की वजह से सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। जैसे गोविंदा फैमिली पिंक लुक में नजर आई है, और आपके लुक के बारे में जानना चाहिए। दादी के हिसाब से सब हल्दी में नो सबको ऐसा लग रहा था सब गोल्ड येलो 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 पहनेंगे, तो दादी ने बोला कि थोड़ा सा क्लासी करना है तो हम पिंक एंड पीच का थीम रखेंगे, एंड मेरी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, नेट की साड़ी है और नेट हमेशा मुझे क्लासी लगता है, और ब्लाउज बहुत अच्छा है, ज्वेलरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो मैं अभी तक के जितने भी मेरे साड़ी हैं बहुत अच्छे होते हैं, साड़ी मेरे बहुत डिफरेंट, ब्लाउज मेरे बहुत डिफरेंट होते हैं, बट ये अभी तक का मेरा फेवरेट साड़ी है। थैंक यू। हल्दी सीक्वेंस चल रहा है, काफ़ी हल्दियाँ और डांस वांस चल रहे हैं। काफ़ी हल्दियाँ जी, ऑब्वियसली हल्दी का सीक्वेंस चल रहा है, कार्तिक नायरा ने येलो पहना हुआ है, कार्तिक के दादी की हवेली में ये सब हो रहा है, और क्योंकि जैसे हल्दी की रस्में होती हैं अपनी 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 फैमिलीज में होती हैं, तो कार्तिक की फैमिली जो है वो लोग एक अलग साइड पे हल्दी कर रहे हैं, हम लोग एक अलग साइड पे हल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो दूल्हे की उतरी हुई हल्दी जो दुल्हन को लगती है वो हल्दी, आई थिंक वो हल्दी लेके कार्तिक की फैमिली आती है, बहुत बहुत कुछ फन देखने को मिला। इस बीच नायरा कार्तिक को याद भी करती है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो कार्तिक को मिस कर रही है, और पापा जो कि बहुत सैड हैं क्योंकि उन्हें पता है आज उनकी बेटी विदा हो जाएगी, आज उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम पापा को भी, मैं खुद अंदर से डरी हुई हूँ कि यू नो नई फैमिली है, पता नहीं कैसे मिक्स हो पाऊँगी फैमिली में, अब हस्बैंड का साथ हमेशा दे पाऊँगी या नहीं, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि नायरा हमेशा कार्तिक नायरा के दिमाग में हमेशा ही रहते हैं, दिल और दिमाग में, तो सब इतने खुश हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अगर काश कार्तिक नहीं आते, और उसे ऐसा लगता है कार्तिक सच में चलते हुए आ रहे हैं पर सच में नहीं आते। ऑब्वियसली जो बहुत बहुत इन्जॉय करे यहाँ पे हल्दी में, हमारी हल्दी में नागिन डांस हो रहा है जिसमें मैं बीन बजा रही हूँ, तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, नायरा को भी और शिवांगी को भी बहुत मज़ा आ रहा है। मुजड़ी इसकी सबसे अच्छी लगी पूरे कपड़े में, और काफ़ी ओपन ओपन सा है हल्दी के लिए है, और माइक आगे मुझे पूरी हल्दी लगी थी, अभी आई एम वेरी क्लीन थैंकफुली, और मैंने येलो लहंगा पहना है, रेड येलो और गोल्ड कॉम्बिनेशन, ये हैंडमेड ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी बनाई गई है मेरे लिए स्पेशली, सो मैंने ऐसा पहले कभी नहीं पहना, ये गोटे से बनाई गई है, गोटे और मोतियों से। सबसे फेवरेट एक्चुअली ये कड़ा, ये मेरी मॉम का कड़ा है जो मैंने हल्दी पे पहना है, वो सबसे फेवरेट है कड़ा लगा, और मुझे ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा।